हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ का जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम 2024 जनवरी में स्टार्ट होने वाला है और इसका एडमिशन ऑलरेडी स्टार्टेड है। 3 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट है, जनवरी से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा और इसमें क्या क्या स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट होगा, कितने साल का कोर्स होगा, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखो, पहली बात तो आईआईटी दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड का जॉइंट प्रोग्राम है, मतलब बहुत ही प्रेस्टिजियस पीएचडी प्रोग्राम है, ठीक है, मतलब कुछ स्पेशल प्रोग्राम है, ये रेगुलर पीएचडी जैसा नहीं है क्योंकि इसमें सपोर्ट कुछ ज़्यादा ही मिलेगा स्टूडेंट्स को, ठीक है। और इसके जो अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 12 और 13 सितंबर 2023 को इनका जो है एक इन्फॉर्मेशनल कॉन्फ्रेंस जैसा होगा ऑनलाइन, और इस वेबसाइट को विजिट करके आप उस लिंक को पता कर सकते हो, uqidar.org, ठीक है, uqidar.org, ठीक है। आई टी दिल्ली की वेबसाइट में भी इसका लिंक है, आप जब वहाँ जाकर भी देख सकते हो या अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, वर्ल्ड क्लास सुपरविजन फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज होंगे, टोटल 4 साल का पीएचडी प्रोग्राम होगा और कौन से साल कहाँ पे आई टी दिल्ली में कभी होंगे, कुछ साल आई टी दिल्ली में होंगे और कुछ साल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में रहेंगे, उसका डिटेल भी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो टोटल 4 ईयर्स का ये प्रोग्राम होगा, बहुत कॉम्पिटेटिव स्कॉलरशिप मिलेगा और वाइब्रेंट कैंपस लाइफ का एक्सपीरियंस होगा। देखो, स्कॉलरशिप पर अगर मैं क्लिक करूँ, ठीक है, क्या क्या स्कॉलरशिप मिलेगा आपको, तो देखो कि टोटल जो 4 साल का जो पीएचडी है, फुल टाइम स्टडी है, उसमें उसके लिए सभी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। जो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप की मैं बात कर रहा हूँ वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो ईयर वन जो है आईआईटी दिल्ली में आपको स्टडी करना है ईयर वन में, मतलब फर्स्ट ईयर में, और मंथली स्टाइपेंड 41,000 का मिलेगा। ईयर टू में यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में रहेंगे, एनुअल स्टाइपेंड ऑफ 32,192 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको मिलेगा, 32,192 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ईयर थ्री एंड फोर अगेन आप आईआईटी दिल्ली में रहेंगे और मंथली स्टाइपेंड 45,000 आपको मिलेगा, ठीक है। फिर और जो आप जो बीच में जो ट्रैवल करते हैं दिल्ली और ब्रिस्बेन के बीच में, तो उसके लिए आपको एक रिलोकेशन ग्रांट भी मिलेगा 5,200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, ठीक है। ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर मिलेगा, अगर जैसे सेकेंड ईयर में आप क्वींसलैंड में रहेंगे तो आपको एक हेल्थ कवर आपको वहाँ पे मिलेगा। और जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड का ट्यूशन फी है वो आपको वे ऑफ कर दिया जाएगा, बट अदर एमिनिटीज़ और स्टूडेंट सर्विसेज की फीस जो है 324 डॉलर आपको देना होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, जितने टाइम आप क्वींसलैंड में रहेंगे, ठीक है। और ओके, और जो आईआईटी दिल्ली का ट्यूशन फी है वो तो आपको देना होगा, ठीक है, लेकिन स्कॉलरशिप बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है तो फीस तो बहुत कम रहता है उसकी कंपेरेटिवली, ठीक है। तो और बाकी सर्विसेज जो फुल टाइम पीएचडी को मिलता है वो सब आपको मिलेगा, तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप भी साथ में आपको मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि जनरली स्कॉलरशिप भी अगर इंडिया के किसी आईआईटी से भी आप पीएचडी करते हैं तो स्कॉलरशिप आपको 30-35 के बीच मिलता है, ठीक है, 30 और 35 के बीच मिलता है। यहाँ पे स्टार्टिंग ही 41,000 है और फॉरेन में आपको स्टडी करने का मौका मिलेगा और डिग्री जो मिलेगा वो जॉइंट पीएचडी डिग्री आपको मिलेगा फ्रॉम बोथ द यूनिवर्सिटीज़। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपके किसी भी फ्रेंड्स या रिलेटिव के लिए हेल्पफुल हो आपको अगर लगता है तो उसके साथ शेयर जरूर कीजिए।